झारखंड के हजारीबाग में कोरोना पॉजिटिव चोर ने 2-3 दिनों से पुलिस को बार बार चकमा दिया। हालांकि एक बार फिर पुलिस ने कोरोना चोर को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि कल सुबह हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड-19 वार्ड से संक्रमित चोर फरार हो गया। उसे आज पुलिस ने पकड़ लिया। बता दें कि वही चोर है जिसके कारण हजारीबाग के 2 थाने सील कर दिए गए और कई मुख्य मार्ग बंद कर दिए गए। साथ ही 70 पुलिसकर्मी को क्वारंटीन किया गया है। इस रूप से ये हम लोगों के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अब ये एक एक्यूज से अधिक एक कोरोना पॉजिटिव केस था, और क्योंकि ये एक आपराधिक मानसिकता वाला व्यक्ति है, तो इसलिए ये जो है कि कल सुबह में यहाँ से निकल गया था। तब से लगातार हम लोग जो है कि इसके फिराक में थे, और मुझे खुशी है कि हजारीबाग की स्थानीय जनता ने हम लोगों को काफ़ी सहयोग दिया। जिस मोहल्ले में भी इसके जाने की सूचना थी, वहाँ के मोहल्ले के लोगों को हम लोगों ने सेंसिटाइज किया, वो लोग तत्पर भी हुए, और आज उसी का नतीजा हुआ कि स्थानीय जनता की मदद से हम लोग इसे पुनः पकड़ पाने में हम लोग सफल हुए, और इसके पकड़ाने से वाकई हम लोगों को, पुलिस को और साथ ही साथ जनता भी जो है काफ़ी राहत महसूस कर रही है। वहीं DSP सदर कमल किशोर ने बताया कि सफलता स्थानीय लोगों के सहयोग से प्राप्त हुई है। कल से ही हम इसकी रेखी कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से इसे आज पकड़ा जा सका है। उन्होंने हजारीबाग की जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि इसके पकड़े जाने से लोगों को काफी राहत महसूस हो रही है। पंजाब केसरी TV के लिए हजारीबाग से राजकुमार की रिपोर्ट।